हेलो हाय नमस्कार स्वागत है आप सभी का मैग्रेट ब्रेन्स पे मेरा नाम आशीष कपलेश और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलोरीमेट्री ऑब्जेक्टिव टू देखिए तो भैया इससे पहले वाली वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव वन कवर कर चुके हैं जहां पे एमसीक्यूज मिले थे जिसका एक सिंगल ऑप्शन करेक्ट था और वो हमने टिक लगा लगा के आगे बढ़ गए लेकिन भाई जब बात आती है ऑब्जेक्टिव टू की तो अब आपको थोड़ा सा और अवेयर होना पड़ेगा थोड़ा सा एक बार ध्यान से चीजों को देखना पड़ेगा बिकॉज यहां पे ऐसा नहीं कि एक ऑप्शन करेक्ट हुआ तो आगे बढ़ गया आपको सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे क्योंकि हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो जाए तो भाई थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाती है और स्पेशली जब आप एडवांस के लिए एडवांस के लिए प्रिपेयर करते हो तो इस टाइप के आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं तो भाई अगर आपकी तैयारी एडवांस लेवल तक की करनी है आप लोगों को तो डेफिनेटली यहां पे बहुत ईमानदारी से काम करेंगे और पेन और पेपर तो हमेशा अपने पास रखेंगे बिकॉज क्वेश्चन आएगा आप वीडियो को पॉज करें खुद से ट्राई करें एंड ये चेक जरूर करें क्या क्वेश्चन आपसे बन पा रहे कि नहीं बन पा रहे राइट तो चलिए भाई शुरू करते हैं कहानी को विद अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं भाई द हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द हीट गिवन द टेम्परेचर रेज द मास ऑफ द बॉडी एंड द मटीरियल ऑफ द बॉडी हीट कैपेसिटी किसी भी बॉडी की किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है क्या वो हीट पे डिपेंड करती है क्या वो टेम्परेचर रेज पे डिपेंड करती है क्या वो मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करती है या फिर मटेरियल ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करती है हाँ जी हीट कैपेसिटी हम जानते हैं फॉर्मुला बनता है हीट कैपेसिटी का पर वो बनता क्या है होता है मास ऑफ द बॉडी इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी याद आ रहा है कुछ ऐसा फॉर्मूला हीट कैपेसिटी का तो जो हीट कैपेसिटी है उसका फॉर्मुला है मास ऑफ द बॉडी इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी तो भाई एम बोले तो मास एस द स्पेसिफिक हिट और ये स्पेसिफिक हीट फर्दर डिपेंड करती है मटेरियल ऑफ द बॉडी पे ये फर्दर डिपेंड करती है मटेरियल ऑफ द बॉडी पे एम इज द मास ऑफ द बॉडी जी तो क्या हीट पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा इसकी डिपेंडेंसी आती है मास ऑफ द बॉडी एंड मटेरियल ऑफ़ बॉडी पे सवाल बहुत टफ क्वेश्चन था यार एकदम पसीना आ गया इसको सॉल्व करते करते तो छाप <laughs> लो जल्दी से नोट कर लिया हो गया चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है तो भैया क्वेश्चन टू कह रहा है द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टू द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी सर ये मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है मोलर हीट कैपेसिटी क्या है मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो मैं जानता हूं बट व्हाट इज दिस मोलर हीट कैपेसिटी तो आइए जरा ज्ञान देते हैं आपको मोलर हीट कैपेसिटी का सबसे पहली चीज स्पेसिफिक हीट डिफाइन को डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन में बोलते हैं हम लोग इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर यूनिट मास जनरली हम वन ग्राम ले लेते हैं यूनिट मास में बाकी यूनिट मास तो कुछ भी हो सकता है वन के जी भी हो सकता है ना या तो एक ग्राम या फिर वन के जी एक ग्राम हो सकता है वन के जी हो सकता है वट एवर इट इज बाय वन डिग्री सेंटीग्रेड और वन केल्विन भाई यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट राइज करना है तो उसके लिए आपको जो हीट देनी पड़ती है वो होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये फॉर्मूला रख दिया है। अब बात होती है मोलर हीट कैपेसिटी की तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या है इट इज द अमाउंट ऑफ हीट इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of unit mole ha unit mole substance ek mole ka पहले क्या था unit mass था एक ग्राम एक किलोग्राम कुछ भी चलेगा लेकिन इस बार एक मोल का अगर मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है बाय वन डिग्री या वन केल्विन तो जो मैं हीट दूंगा उसको कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एक मोल सब्सटेंस का पहले तो वन ग्राम सब्सटेंस था वन ग्राम वन किलोग्राम यानी यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर मुझे यूनिट राइज करना है तो जो हीट मैं देता हूं वो कहलाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वैसे ही अगर मुझे टेम्परेचर राइज करना है बाय वन डिग्री केल्विन ऑफ यूनिट मोल एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर मुझे यूनिट राइज करना है है तो जो हीट हीट मैं दूंगा वो मोलर कैपेसिटी कहलाती भैया मोलर हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी से लिखना मोलर हीट कैपेसिटी को आप कैपिटल सी से लिखेंगे भैया नॉलेज की बात है इसके बारे में और कैपिटल सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय एन डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय n डेल्टा थीटा ये होता है Q डिवाइडेड बाय n डेल्टा थीटा तो क्या ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है नहीं सर क्या ये डिपेंड अच्छा पहले तो अभी मैं इनका रेशियो तो बता दूं समझ रहे हो बात को उसको छोटे s से डिनोट किया या स्मॉल c से डिनोट किया और इसको कैपिटल c से डिनोट किया तो ये मोलर हीट कैपेसिटी वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आइए जरा दोनों का रेशो लेते हैं द रेशो ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल एस डिवाइडेड बाय कैपिटल सी विल बी क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय क्यू डिवाइडेड बाय एन डेल्टा थीटा तो एस डिवाइडेड बाय क्यू Q Q खत्म हो जाएगा डेल्टा थीटा से डेल्टा थीटा खत्म हो जाएगा इट विन डिवाइडेड बाई एम एन बोले तो नंबर ऑफ मोस मोस को लिखते हैं मास अपॉन मोलर मास इन टू मास मास से मास समाप्त हो जाएगा यह हो जाएगा तो भैया ये जो रेशियो आ रहा है एस डिवाइडेड बाय सी का इट विल बी ओर वन बाई मोलर मास यह हो जाएगा वन अपॉन मोलर मास यानी कि कोई कांस्टेंट नहीं है सर मास ऑफ द बॉडी पे भी डिपेंडेंसी नहीं आ रही है डायमेंशन भी नहीं है बल्कि इसकी डिपेंडेंसी तो है किस पे मॉलिकुलर वेट ऑफ द बॉडी पे इसकी डिपेंडेंसी किस पे आती है मॉलिकुलर वेट ऑफ द बॉडी पे आती है और यह कहानी हमारे क्वेश्चन नंबर टू की समाप्त हो गई है तो बल या जल्दी से छाप लो वो कैपेसिटी ये मोलर हीट कैपेसिटी अंतर समझ रहे हो वहां पे यूनिट मास होता था यहां पे यूनिट मोल है बस यहां पे यूनिट मास होता था यहां पे यूनिट मोल है बस ये अंतर है ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए जल्दी से हो गया भैया नोट फिर यहां पे आओगे ये सब कुछ लिखोगे दोनों का रेशियो निकाला वन अपॉन मोलर मास के बराबर आ रहा है So that will be equivalent to the molecular weight, है ना चलिए भाई तो ये क्वेश्चन नंबर टू हमारा समाप्त हुआ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर आते हैं और क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है भैया अगर आप हीट को सप्लाई कर रहे हो सॉलिड को तो इसका टेम्परेचर का क्या हाल होगा टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा मस्ट इंक्रीज मतलब कंफर्म है बढ़ना है तो अगर आप हीट सप्लाई करते हो सॉलिड को तो उसका टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज मतलब बोलता है इंक्रीज होगा कुछ भी कर लो तुम मस्ट इंक्रीज मे इंक्रीज मतलब इंक्रीज हो सकता है मे रिमेन्स कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट रह सकता है एंड मे डिक्रीज डिक्रीज हो सकता है तो अगर आप बॉडी को हीट सप्लाई करते हो तो इसका टेम्परेचर पक्का है इंक्रीज होगा इंक्रीज हो सकता है कांस्टेंट भी रह सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है अब आप समझदार हो यार इनमें तो सिर्फ वो अंग्रेजी के हेर फेर है सिर्फ मतलब इसमें तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसमें तो अंग्रेजी का हेर फेर है और भाई तुम समझते हो कि अगर मान लीजिए कोई एम मास की बॉडी है रैंडम शेप की कोई बॉडी ले ली मैंने और इस बॉडी को अगर मैं हीट सप्लाई कर देता हूं इस बॉडी को मैं हीट सप्लाई करता हूं तो दो पॉसिबिलिटीज आती है या तो आप बोलोगे सर इस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा या तो इस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा या फिर इस बॉडी का स्टेट चेंज होगा मतलब सॉलिड है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड है तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा है ना तो अगर आपने किसी भी बॉडी को हीट किया तो दो पॉसिबिलिटीज आती है या तो इसका टेम्परेचर राइज करे या फिर इसका स्टेट चेंज हो जाए और स्टेट चेंज के दौरान जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है भाई स्टेट चेंज के दौरान जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है ठीक है तो अगर आपने किसी भी बॉडी को हीट करा तो या तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा या फिर उसका स्टेट चेंज होगा जिसके दौरान टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो सकता है तो पहला ऑप्शन जो मस्ट इंक्रीज कहता है हम उसको काट देंगे बिल्कुल भी नहीं भाई मस्ट इंक्रीज तो होना ही नहीं चाहिए मे इंक्रीज हाँ इंक्रीज हो सकता है मे रिमेन कॉन्स्टेंट हाँ कॉन्स्टेंट रह सकता है मे डिक्रीज किसी भी बॉडी को अगर आप हीट दे रहे हो तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हो सकता है हाथ अगर आपने बॉडी में से हीट निकाल ली तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो सकता है तो डिक्रीज होने की तो संभावना ही नहीं थी सर पास ठीक है तो अगर आपने किसी भी बॉडी को हीट अगर दी है तो जब आप हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है या फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रह सकता बट है। डिक्रीज नहीं होगा टेम्परेचर डिक्रीज तब होता है जब आपने हीट निकाल ली उसमें से दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर थ्री आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरी वन सबको मेरी बात समझ आ रही है क्वेश्चन नंबर थ्री क्लियर हो चुका है तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब हमारे अगले सवाल क्वेश्चन नंबर फोर की ओर आते हैं और क्वेश्चन नंबर फोर कहता है द टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्वड टू बी कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग अ पीरियड भैया टेम्परेचर मुझे कॉन्स्टेंट दिखाई दे रहा है तो इस दौरान हीट में हैव बीन सप्लाइड टू द बॉडी हीट सप्लाई की होगी बॉडी में

तो कुछ समय के लिए अगर ये टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो रहा है तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है कि सॉलिड बॉडी को आपने हीट सप्लाई की होगी सॉलिड बॉडी में से हीट निकाल दी होगी या फिर कोई हीट का सप्लाई ही नहीं किया या फिर कोई हीट को हमने निकाला ही नहीं बॉडी में से तो मैं फिर से वही बोलता हूं कि भाई एक आर्बिट्री शेप की कोई बॉडी है मेरे पास एम मास की इन्होंने बोला इसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो इसका थीटा मैंने कॉन्स्टेंट ले लिया

अगर आपने इसको हीट दिया तो उस केस में इफ हीट मे हैव बीन सप्लाइड हैव बीन सप्लाइड इफ हीट मे हैव बीन सप्लाइड तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि सर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा होगा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा होगा थीटा कॉन्स्टेंट है टेम्परेचर स्टेट चेंज हो रहा है उस टाइम पे अगर हीट में हैव बीन एक्सट्रैक्टेड इफ हीट में हैव बीन एक्सट्रैक्टेड तो उस केस में मैं बोलता हूं कि साहब हो सकता है वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा हो फिर लिक्विड से हो सकता है सॉलिड में कन्वर्जन हो रहा है ना अरे बात समझ रहे हो ना चलो ऐसा लेते तो लिक्विड से गैस में कन्वर्जन पे गैस से लिक्विड में फिर लिक्विड से लो भैया ये वाली पॉसिबिलिटी अब इस दौरान वो बोलता है हीट का सप्लाई नहीं किया अरे भैया अगर आप हीट का सप्लाई ही नहीं करते तो कुछ भी नहीं होता फिर अब आपने पहले ही ये चीज बोल दी कि नहीं यार एक पर्टिकुलर टाइम के लिए यहां पे सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है और सिर्फ वो पर्टिकुलर टाइम तभी आता है जब स्टेट चेंज हो रहा हो एक बार अगर स्टेट चेंज हो गया तो फिर से टेम्परेचर में वेरिएशन आ जाएगा और अगर आप कोई हीट का सप्लाई ही नहीं करोगे तो कुछ भी ना होगा अगर आप हीट को एक्सट्रैक्ट नहीं करोगे तो भी कुछ नहीं होगा भले आप एक दिन के लिए छोड़ दो, दो दिन के लिए छोड़ दो दस दिन के लिए छोड़ दो कुछ नहीं होने वाला है ना अगर आपने कोई हीट का सप्लाई नहीं किया

क्योंकि ऑप्शन सी और डी को अगर मैं कंसीडर करता हूं अगर मैं सी और डी को कंसीडर करता हूं तो इसके हिसाब से कुछ भी नहीं होना चाहिए फिर अगर वो बोल रहे हैं कि नो हीट इज सप्लाई टू द बॉडी नो हीट इज एक्सट्रेक्टेड फ्रॉम द बॉडी तो इसके हिसाब से अगर बात करें तो ये कभी भी कुछ नहीं होगा ना तो कभी टेम्परेचर चेंज होगा ना ही कभी यहां पे इसका स्टेट चेंज होगा इसीलिए मैं सी और डी ऑप्शन नहीं ले रहा हूं इसीलिए मैं यहां पे सीओ डी को हम नहीं कंसिडर करें क्योंकि एक पॉसिबिलिटी है यहां पे कि हीट का सप्लाई तो हो रहा है पहले ही हम एक पॉसिबिलिटी यहां पे मान चुके हैं कि भाई हीट का सप्लाई तो हो रहा है लेकिन ठीक है वो हीट इस टाइम पे यूटिलाइज हो रही है स्टेट चेंज करने में मेरी बात समझ रहे हो ना अगर मैं ऑप्शन ए बी को ले लू तो इसके साथ सीओ डी क्यों नहीं आ सकते क्योंकि ऑप्शन ए और बी में मैंने माना है कि हीट का सप्लाई हो रहा है सीओडी को मैं इसलिए नहीं ले सकता हूं क्योंकि सीओडी कह रहा है हीट का सप्लाई ही नहीं हो रहा तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा ना वो तो फिर है ना तो भाई ये वो वाली बात होगी कि या तो मैं रहूंगा या तो तुम रहोगे है ना तो हमने बोला नहीं भाई तू ही तू ज्यादा बेटर है हमारे लिए ठीक है ऐसा होता है ना भाई या तो वो रहेगा या तो मैं रहूंगा है तो हमने बोला भाई वही रहेगा तू नहीं रहेगा तू निकल जा <laughs> तो हमने ए और बी ऑप्शन पे कंसिडर किया क्योंकि ए और बी में हमने ये माना है कि हीट का सप्लाई हो रहा है उसके साथ सीओडी इसलिए नहीं ले सकता हूं क्योंकि सीओडी साफ मना कर रहे है, हीट का सप्लाई ही नहीं हुआ तो हमारे ए और बी को गलत साबित कर रहा है तो चारों ऑप्शन एक साथ सही नहीं हो सकते या तो ए और बी होते होते या फिर COD होते। और A और ए बी को चूज ही क्यों किया क्योंकि वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए बोल रहा है सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जिसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है उसके बाद क्या क्या उसके बाद टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा दैट डिपेंड्स ऑन कि हीट को सप्लाई किया जा रहा है या एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है लेकिन अगर कोई हीट का सप्लाई ही नहीं होगा कोई हीट का एक्सट्रैक्शन ही नहीं होगा तो ये पर्टिकुलर पीरियड नहीं लिखता यहां पे वो बोलता हमेशा ही ऐसा रहता फिर ठीक है तो ये क्वेश्चन नंबर अच्छा था सम, समझने वाली बात है छाप लो जल्दी से चलिए भाई जल्दी से छाप लीजिए हो गया क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट वेरी गुड चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर आते हैं देंचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व टू राइज इन पीरियड भाई अब फिर से वही बात होगी एक पर्टिकुलर टाइम में मुझे दिख रहा है कि यहां पे टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है तो इस दौरान जिस समय में आपने देखा कि टेम्परेचर राइज हो रहा है उस दौरान हीट 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 इज इज सर्टेनली सर्टेनली टू 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 इट 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 नॉट मे मे हैव हैव बीन बीन वर्क डन देखो भाई ये बहुत अच्छी बात बोलता है वो कि आपको यहां पे सिर्फ इतना समझना है कि अगर वो बोलते हैं हीट इज सर्टेनली टू इट तो मतलब हीट सप्लाई कर रहे हैं हीट इज सर्टेनली नॉट सप्लाइड हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं और हीट मे हैव बीन सप्लाई टू इट यानी हो सकता है हमने हीट सप्लाई या फिर हो सकता है हमने कुछ वर्क किया हो अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है अगर भैया टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो मैं समझता हूं कि यहां पे उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज होती है अगर यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मैं ये समझता हूं कि उसकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होती है तो भाई इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है अब इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए या तो या आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दीजिए या फिर आप किसी एक्सटर्नल वर्क को करने से भी उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है अगर आप कोई एक्सटर्नल वर्क कर देंगे तो भी आप उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएंगे जिससे कि अल्टीमेटली टेम्परेचर फिर से राइज कर जाएगा तो अगर आपको यह दिख रहा है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में टेम्परेचर राइज हो रहा है तो उस टाइम पीरियड में हो सकता है या तो हीट सप्लाई की हो या फिर हो सकता है कि कुछ वर्क किया हो बॉडी के ऊपर भाई सीधी सी बात है जब आप किसी के ऊपर वर्क करते हो तो उसके पास एक एनर्जी स्टोर होती है जो इसकी इंटरनल एनर्जी होती है भाई तो आपने किसी पर वर्क किया तो उसके पास एक इंटरनल एनर्जी स्टोर हो जाएगी जिससे कि उसके टेम्परेचर में राइज होगा फिर से अगर वो बोलता है हीट सप्लाई कर रही है या फिर हमने बोला हीट इज सर्टेनली नॉट सप्लाईड तो सर ये तो बात ही नहीं बनती है अगर हीट का सप्लाई ही नहीं करोगे तो टेम्परेचर कैसे राइज करेगा है ना और अगर ये बोलता है हीट इज सर्टेली सप्लाईड तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा फिर उसके हिसाब से अंतर समझो पहला तो ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है वो बोल रहा है हीट को सप्लाई ही नहीं किया भैया बिना हीट के सप्लाई के आप काम ही कैसे कर रहे हो फिर टेम्परेचर राइज करने की उम्मीद कैसे कर रहे हो तो वो डायरेक्टली डायरेक्टली जो है इसको गलत करता है जैसे ऑप्शन ए कहता है कि हीट को सप्लाई किया सिर्फ अपने तो वो ऑप्शन डी को गलत साबित कर रहा है कहता है कि भैया वर्क की वजह से हीट का वर्क की वजह से टेम्परेचर को राइज नहीं किया जा सकता हमने बोला ये तो गलत बात है तो ऐसे पक्का पक्का वाला कंफर्मेशन वाली बातें नहीं बोलेंगे सेकेंडली बोलता है कि हीट इज सर्टेनली नॉट सप्लाइड तो वो अपने ऑप्शन सी को गलत साबित करता है ऑप्शन सी बोलता है कि हीट की वजह से भी तो टेम्परेचर बढ़ सकता है तो ए और बी जो कि हमें बहुत अकड़ में बोल रहे थे कि नहीं हीट सप्लाई की होगी दूसरा बोलता नहीं हीट सप्लाई नहीं की हमने बोला नहीं भाई

या तो हीट भी सप्लाई हो सकती है या फिर हो सकता है वर्क किया हुआ आपने ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव समझते हैं सभी लोग स्टेटमेंट्स में बस उसके भाषा को समझना है आपको कि वो कहना क्या चाहते हैं ठीक है ठीके? समझ रहे हो पढ़े आगे क्वेश्चन नंबर फाइव के बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है भाई हमसे आओ देखे बोलते हीट एंड वर्क आर इक्वलेंट दिस मीन्स इन्होंने बोला हीट और वर्क इक्वलेंट है तो इसका क्या तात्पर्य है वेन वी सप्लाई हीट टू द बॉडी वी डू वर्क ऑन इट इसका मतलब क्या यह है कि अगर आप बॉडी को हीट सप्लाई कर रहे हो that means आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो या वेन वी डू वर्क ऑन बॉडी वी सप्लाई हीट टू इट या फिर इसका ये मतलब है कि अगर आप बॉडी के ऊपर वर्क करो तो आप उसको हीट सप्लाई कर रहे हो थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी कैन बी इंक्रीज बाई डूइंग वर्क ऑन इट किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया जा सकता है बाई डूइंग वर्क ऑन इट बॉडी कैप्ट एड्रेस्ट में लाइन बाई सीट टू इट बोला समझते हो आपको याद होगा एक मैंने मैकेनिकल इक्वलेंट बताया था इसमें आप लोगों को मैंने बोला था कि भाई वर्कडन करने से मैकेनिकल वर्क करने से अगर सेम टेम्परेचर राइज हो रहा है जो कि हीट से होता है तो वह दोनों क्या है इक्वलेंट है फिर तो इसका यह मतलब थोड़ी होता है कि सर जब आप हीट सप्लाई करोगे तो आप उसके ऊपर कुछ वर्क कर रहे हो अरे भैया तुम भगोनी चढ़ा देते हो चाय डाल के उसमें पानी डाल के आप गैस के ऊपर भगोनी चढ़ा रहे तो आप हीट सप्लाई कर रहे हो इसका यह मतलब थोड़ी होता है कि आप कुछ वर्क कर रहे हो उसके ऊपर तो भाई अब आप किसी बॉडी को हीट सप्लाई कर रहे हो इसका यह मतलब थोड़ी कि आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो भाई चाय बना के थकता है क्या कोई इंसान है सर नहीं सर पांच मिनट से मैं चाय बना रहा हूं मैं तो थक गया हूं

पुश कर रहे हो उसको धक्का मार के लेके जा रहे हो तो क्या उस डब्बे का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या इसका यह मतलब हो सकता है कि अब आप किसी बॉडी के ऊपर वर्क करो तो अब मतलब आप उसको हीट सप्लाई कर रहे हो नहीं कोई जरूरी थोड़ी है ऐसी बात है थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया जा सकता है बाय डूइंग वर्क ऑन इट ये सही बात बोल रहे है फिर भी हीट एंड वर्क आर इक्वलेंट इसका क्या मतलब है कि किसी बॉडी के ऊपर अगर मैकेनिकल वर्क करते हैं और अगर उसका टेम्परेचर उतना ही बढ़ रहा है जितना हीट देने से बढ़ता था तो यहां पे ये यह हीट और वर्क इक्वलेंट होते हैं तो यही तो कह रहे ये बात सही है ना अरे ऑप्शन बी क्यों काट दिया फिर आपने सर अरे ऑप्शन बी कहता है कि हमेशा ऐसा होगा पर ऐसा हमेशा की तो बात थोड़ी है इसने देखो थर्ड ऑप्शन में क्या बोला कि टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी कैन बी इंक्रीज्ड एक बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाया जा सकता है बाय डूइंग वर्क ऑन इट उसके ऊपर अगर वर्क करें तो हो सकता है उसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए पॉसिबिलिटी रखते हैं भाई हमेशा ये बात सही लग रही है मुझे हाँ सर अगर आप किसी बॉडी के ऊपर वर्क कर रहे हो और अगर उसका अगर उसका टेम्परेचर राइज हुआ उतना ही जितना हीट से हो रहा था तो हीट और वर्क क्या हो जाता है इक्वलेंट

या कोई बॉडी रेस्ट पे है आप उसको मोशन में ला सकते हो अलॉन्ग अग दीट ऐसा नहीं है भाई पॉसिबिलिटी रखते हैं हमेशा इस केस में हम लोग ठीक तो है तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो कहता है कि हाँ एक बॉडी का टेम्परेचर उतना बढ़ाया जा सकता है जितना आप हीट सप्लाई से कर रहे थे बाय डूइंग सम वर्क आप उसके ऊपर कुछ वर्क करो और अगर उसका टेम्परेचर उतना ही बढ़ गया जितना हीट से बढ़ रहा था तो वो वर्क और हीट आपके इक्वलेंट रहेंगे फिर ठीक है उनको रिलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द आपको बताया था आपको याद होना चाहिए पे। so, anyways, समाप्त हो गया है। भाई, आगे बढ़ते हैं और करते हैं समापन ऑब्जेक्टिव टू का और भाई इसी के साथ मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो छे सवाल मैंने आपको कराए हैं ये आपको बढ़िया तरीके से समझ आ गए होंगे कोई दिक्कत नहीं हुई होगी कोई समस्या कोई परेशानी नहीं आई होगी फिर भी भाई कोई भी डाउट अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगता है सो so प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए सो दैट मैं और मेरी टीम आपकी हेल्प कर सके आपके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में साथ ही साथ अगर वीडियो को दोबारा देखना चाहते हैं तो बेटर है आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर आइए क्योंकि यहां पर आपको ये सारी वीडियो ऑलरेडी चैप्टर वाइज सीक्वेंस में अरेज क्यू मिल जाएगी साथ ही साथ ये सारी वीडियो आपके लिए एब्सुल्यूटली फ्री है तो भाई आप किसी भी वीडियो को मल्टीपल टाइम्स भी एक्सेस करेंगे तो हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं रहेगी साथ ही साथ ये सारी बातें अपने दोस्तों को भी बता दो उनको भी तो पता चले कि भाई मैग्नेट ब्रेन इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पे फ्री में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रही है तो भाई आके वो भी ज्वाइन कर ले ताकि उनका भी भला हो सके ओके और इसके बाद अब जो बारी आएगी वो आएगी एक्सरसाइजेज की एक्सरसाइजेज में भाई न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल अप्रोच होती है हमारे पास तो टाइप के क्वेश्चंस आप, आपके एग्जाम्स में आते हैं भले आप एडवांस की बात करो भले आप मेंस की बात करो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस दिख सकते हैं वहां पे तो आपको उस चीज के लिए थोड़ा सा अवेयर रहना है ठीक है और डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन को हम फास्ट सॉल्व करें क्योंकि ये अक्सर बच्चों की समस्या होती है कि सर न्यूमेरिकल ही सॉल्व नहीं हो पाता है कैलकुलेशन बहुत टाइम लग जाता है तो भाई मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करेगा कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में तब तक अपना ध्यान रखिए पढ़ाई करते रहिए ऑल द वेरी बेस्ट